हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो सारे? मैं आज आपको जो ये कमल का फूल है ना, वो सिखा रही हूँ। और मेरे पास ये देखो बिल्कुल खराब हुआ 8 नंबर का गोल ब्रश है। गोल ब्रश से ये मैं बनाऊंगी। ओके, सबसे पहले मैंने जो है इस गीले ब्रश को मैंने सुखाया नहीं है, और व्हाइट पेंट में और फिर जो है नियॉन शेड पिंक में डुबोया। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको डिप करके और जो है यहाँ पर एक फूल बनाऊंगी। ओके, इस तरह से। बिल्कुल इजी है। पहले इस तरह से इसको ऐसे सी बनाते हैं, फिर इस तरह से इसको ऊपर फिर नीचे को ले जाओ, फिर थोड़ा सा कलर इसमें फिर वाइट में डिप करेंगे और फिर इसमें मैजेंटा में पिंक शेड है, ये नियॉन शेड। अब बस ये आपके सामने ये कमल का फूल बन गया है। अब जो है थोड़ा सा रेड कलर लेंगे। ठीक है, अब रेड कलर लेके इसके कहीं कहीं टचेस करेंगे रेड के। ठीक है, इस तरह से हल्के हल्के रेड के टच करके और इसको हल्का हल्का सा ऐसे मिक्सिंग कर देंगे इसके। ठीक है, अब ये 50% आपका फूल रेडी हो गया। बाकी इसकी जो फिनिशिंग है वो इसको सूखने के बाद करेंगे। ओके, अब जो है इसके साथ एक कली बनाएंगे, जो पहले पिंक में डिप करेंगे और फिर रेड में, रेड और पिंक कलर लेंगे और यहाँ पर हम एक कली बनाएंगे थोड़े से डिस्टेंस पर। यहाँ देखो दो कलर इसमें, पिंक और मेहरून। ठीक है, अब हम सेम यही प्रोसीजर, पहले वाइट में डिप किया और फिर पिंक में। ठीक है, ये देखो रेड वाइट और पिंक, और यहाँ पर एक कली बनाएंगे, रिपीट करेंगे। ये देखो, चाहे तो इसको इस तरह से भी बना लो। पहले इस साइड ऐसे किया, इस साइड ऐसे किया, इस साइड ऐसे, फिर थोड़ा सा कलर, अगर कलर जम नहीं रहा तो पहले पानी में भी डिप कर सकते हो इसको। पहले मैंने ब्रश को पानी में डिप किया, फिर वाइट में और फिर पिंक में। ओके, इससे क्या है कि ये सिंथेटिक ऑर्गेंजा दुपट्टा है, तो इसमें ना पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब बिना पानी के ये सिंथेटिक दुपट्टा पकड़ नहीं करता कलर के, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी साथ लगाना जरूरी है। ओके, अब इसको धीरे धीरे से देखो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, और जहाँ आपको लगे कि थोड़ा पिंक शेड कम आ रही है तो स्पेशल पिंक कलर लेकर इस पर लगा सकते हैं। अब मैं हल्का सा रेड, ना के बराबर रेड लूंगी और इसको इस तरह से कहीं कहीं टचेस दूंगी इसके रेड के। ओके, अब ये एक ये बन गई कमल का फूल और एक ये बन गया। ठीक है, ये कली बन गई। अब मैं आपको एक इसका पत्ता बनाना सिखाऊंगी कमल के फूल का। अभी इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये अभी गीला है, इसको उतनी देर ये कमल का फूल सूखेगा, फिर इसकी थोड़ी फिनिशिंग करेंगे। अब मैं ब्रश को धोकर और येलो कलर ले रही हूँ। मेरी इस शीशी में उतना का कलर है जितना मुझे ये पत्ता बनाने के लिए जरूरी है। ओके, अब एक हार्ट की शेप में, जैसे ये हार्ट होता है ना, उसकी शेप में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे येलो कलर से। अब इसके बीच में सिंपल पानी फिल कर देंगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर को जो है ना ऑब्जर्व कर लेता है सिंथेटिक ऑर्गेंजा। ये सिंथेटिक ऑर्गेंजा ये अभी नया स्टफ आया है, जो नॉर्मल ऑर्गेंजा होता है उससे ये हल्का सा इसकी जो मतलब नेट होती है, हल्की सी इसकी नेट जो है थोड़ी मोटी होती है। और इस तरह से जब पतला पतला सारे में येलो कलर हो जाएगा
तब इसमें थोड़ा ग्रीन का और थोड़ा सा ब्राउन का टच करेंगे। ओके, अब मैं इसको रख दूंगी इस साइड पे। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर लूंगी। इस तरह से देखो, अच्छे से मिक्स नहीं करना इसको, कहीं कहीं धब्बे रहेंगे तो ही इसमें वो ओरिजिनलिटी आएगी। अब मैंने बिल्कुल माइनर सा जो है ग्रीन लिया है। अब मैं ब्राउन कलर लूंगी। अब ब्राउन कलर की मिक्सिंग करेंगे। अब उससे थोड़ा डार्क ब्राउन लेंगे, जो पहले मैंने ब्राउन लगाया था उससे थोड़ा सा डार्क। इस तरह से धब्बे से बना के फिर इसको मिक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा ग्रीन, हल्का सा ग्रीन इसमें और करेंगे, क्योंकि हमने जो बाकी कमल के पत्ते बनाए हैं उनका कलर इससे थोड़ा डार्क है, तो इसको फिर सारे पत्ते एक जैसे लगेंगे ना, अदरवाइज ये थोड़ा अलग लगेगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ग्रीन इसमें टच और दे दिया है। इस तरह से पूरी तरह से मिक्सिंग नहीं करनी इसमें, ऐसे ऐसे लाइनें दिखनी चाहिए। ओके, हम इसे देखो ओरिजिनल सा ऐसे येलो ग्रीन ब्राउन ऐसे शेड्स आ गई हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइनें सी लगा देंगे। अब मैं ग्रीन कलर लूंगी। ओके, ग्रीन कलर और ब्राउन कलर मिक्स करके कलर लूंगी और इस तरफ ऐसे लगाएंगे लाइन इधर। दूसरे ब्रश से लगाएंगे, क्योंकि ये ब्रश जो है खाली मिक्सिंग वाला है, आउटलाइन वाला नहीं है, इससे आउटलाइन जो है अच्छे से नहीं होती। जो थोड़ा पतला ब्रश है ना उससे करेंगे। ठीक है, अब जहां जहां आपको लगे ना, क्योंकि हमने पानी थोड़ा लगाया था, पानी सर्दियों में हल्का सा मतलब स्प्रेड ज्यादा करें, पानी कम लगाए, क्योंकि ये नहीं तो ये फैल जाएगा सारा। अब जहां जहां थोड़ा थोड़ा लगे ना फैल गया, वहां ऐसे धीरे से मिक्सिंग थोड़ा सूखने के बाद करना, गीले गीले पे करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा जो होल है जो है इस तरह से। और ये थोड़ा सा लूज हो जाता है दुपट्टा, ये इतना टाइट नहीं रहता क्योंकि ये सिंथेटिक है, इसलिए इसको पकड़ के और फिर करना पड़ता है। अब मैं ये ब्रश रख रही हूँ क्योंकि इससे सफाई से जो है लाइनिंग नहीं लगती है। अब मैं जो है ये थोड़ा बारीक ब्रश है, ये भी है तो 8 नंबर का ही, अब इससे हम आउटलाइन करेंगे। ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है ना, बस इतना ध्यान रखना आउटलाइन करते वक्त ब्रश में पानी नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल कपड़े से पोंछ के करना है, अदरवाइज ये इस दुपट्टे पर बहुत जल्दी फैल जाता है। अब इसकी यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सूखने के बाद, याद रखना गीले गीले पे मत करना। मैंने तो ये थोड़ी देर हो गई बनाई इसलिए इस पे कर रही हूँ। और यहाँ पर एक कली इस तरह से, ठीक है, इसी तरह जैसे इस पर किया है इसी तरह हम इस पर करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पर जूम करके देखेंगे ना तो हल्का हल्का सा पानी फैल चुका है, उसको सूखने के बाद बिना पानी वाले कलर से धीरे धीरे से इसको सही कर देंगे। अब इसकी हल्की हल्की रेड कलर से ना इस तरह से कहीं कहीं पर ऐसे आउटलाइन कर देंगे पतले ब्रश से। इस तरह से, ठीक है, इस तरह आउटलाइन कर देंगे। और यहाँ पे ब्राउन कलर की बारीक ब्रश से ना
इस तरह आउटलाइन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल। आप बताना आपको जो है ये कमल का फूल कैसा लगा, और कमेंट करके बताना। ओके फ्रेंड्स, और बनाना इसको, ट्राई करना। ओके, बाय बाय।